Hello guys, I am Harshit. I am going to teach you cross multiplication method. इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली तुम्हें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी. हम लेट कर लेते हैं 3x + 5y = 74. ठीक, ये हमें दो इक्वेशन दे रखी है. अब हमें क्या करना है, इसके x और y फाइंड करने हैं. मैं ऑलरेडी इसके दो तरीके बता चुका हूँ, एक सब्सिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड. वो दूसरे वीडियो में आप एक बार जाके देख लें अगर आपको समझ नहीं है तो. वो ठीक है. अब इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसको यहाँ पर ले लेंगे. ये वाली टर्म 2x + 3y - 46 = 0, 3x + 5y - 74 = 0. इसका एक फॉर्मूला होता है, लिख लो एक्स एक्स अपॉन में b1 c2 - b2 c1 = y अपॉन में c1 a2 - c2 a1 = 1 अपॉन में a1 b2 - a2 b1. ठीक, ये फॉर्मूला होता है. अब हमें इस इक्वेशन में से फाइंड करना है बी वन एक्स और वाई वन, ये तो एज इट इज रहेंगे. ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन में से फाइंड करना है b1 c2 b2 c1, ऐसे कर करके a1 a2 सब कुछ फाइंड करना है. ये फाइंड कैसे होगा, हम पहले इसे एक फॉर्मेट में लिख लेते हैं ताकि हम ये वैल्यूज फाइंड कर सकें, एक्स वाई और वन. हमें से याद रखना बीच से शुरुआत होगी, कभी पहले से नहीं होगी, बीच से शुरुआत होगी. एक फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे इसमें पहले क्या लिखा 3 5, इसमें आएगा -46 - 74. ठीक, अब इसमें आएगा 2 और 3, इसमें आएगा 3 और 5. इसमें कैसे लिया, बेसिकली आपका इसमें b1 b2 ऐसे करके फाइंड करना होगा. इसे हम ले लिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको एक ले लिया इक्वेशन सेकंड. ठीक है, इसमें b1 ये है, b1 b2 ऐसे ऊपर नीचे आएंगे, b1 b2, पहले तो ये b की लाइन है, b, फिर ये c की लाइन है, फिर ये a की लाइन है, फिर ये b की लाइन है. ये ऐसे एक लाइन है, ये है नहीं, ये a b a c b a b, ऐसे लिखना नहीं होता, ये मैंने अज्यूम करा है. ठीक है, बस लिखना इतना ही होता जो मैंने शुरुआत में पहले लिखा हुआ था समझाने से पहले. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल होता है. फॉर्मूला ये लगाओ, एक्स अपॉन में b1 c2 - b2 c1 = y अपॉन में c1 a2 - c2 a1 = 1 अपॉन में a1 b2 - a2 b1. ठीक, अब अगर और सही से करना है तो इसे 1 ले लो और इसे 2 ले लो, ये सारी ऐसी इक्वेशन में ऑर्डर में, ये है नहीं इसके साथ, ये ऑर्डर के लिए लिखा है मैंने ताकि ये जब होए तो b1 क्या है 3 x अपॉन में 3, c2 क्या है -74 * -74, अब होगा माइनस, b2 क्या है b2 5, c1 क्या है -46, y c1 क्या है c का 1 -46, a2 क्या है a2 3, c2 क्या है -74, a1 क्या है 2. ठीक, = ये माइनस प्लस कुछ नहीं है, = में बहुत गलतियां होती है इस चीज़ को लेके. a1 क्या है 2, b2 क्या है b2 5, माइनस a2 क्या है 3, और आखिरी में b1 क्या है 3. ठीक है, इतना लिखने के बाद इसको जब तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा x upon 8 = y upon में 10 = इसको सॉल्व करोगे 15 15 नहीं 10 10 - 1 9 तो 1 अपॉन 1.
ठीक, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को इक्वेट करना है, एक्स अपॉन में 8 इजिकल टू 1/1, और क्या होगा, वाई अपॉन में 10 इजिकल टू 1/1। इन दोनों की वैल्यू को सॉल्व करेंगे आगे तो वैल्यू आएगी एक्स इजिकल टू 8 एंड वाई इजिकल टू 10। ऐसे होता है क्रॉस सेक्शनल मेथड। अगर इसको प्रूफ करना है कि हाँ भाई ये सही है, तो इसको वापस इसमें डाल के देखो, जैसे कि 2 वैल्यू में 8 आया प्लस 3 वैल्यू में 10 आया इजिकल टू 46। बेटर है नहीं बेटर, सॉल्व करके देखो। ये प्रूफ कर, ये फाइंड आउट करने का तरीका है, जो हमारे एक्स और वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू आई है वो सही आई कि नहीं आई, वेरीफाई कर रहे हैं। 8 × 2 = 16, 30 कितना हो गया 46, 46 = 46। ये सेम तरीका आप इस दूसरे इक्वेशन में भी डाल सकते हैं, जो इनसे आपका मन करे। ठीक है, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है।